साथ में साथ साथ आपका ये सेल्फी का भी टाइम चल रहा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पटना की ही हूँ। फिर इतना अंग्रेजी कैसे बोल लेते हैं? नहीं, अंग्रेजी एक्चुअली MBA किया है यहाँ से, तो उसकी वजह से। और जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ अंकित भारद्वाज और आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स। जैसा हम लोग जानते हैं अभी नवरात्रा का समय चल रहा है और आज ही छठ का आज पहला अर्घ का समय है, जो कि आज के दिन लोग सूर्य की डूबते सूर्य की पूजा करते हैं। तो आइए यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। और अभी हम आए हुए हैं काली घाट, जहाँ पर अभी छठ का पर्व मनाया जा रहा है, और यहाँ के कुछ लोगों से जानते हैं किस तरह से उनका उत्साह है, किस तरह से वो लोग इसको लेकर के तैयारी किए हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरह से काफ़ी भीड़ भी है और लोग यहाँ पर छठ के पर्व को लेकर कितने उत्साहित हैं और वहाँ पे भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं और उनका मानना है कि डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाए। यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर सूप को सजाया गया है। और अच्छा भैया, आज छठ का पर्व, छठ है, आज शाम का अर्घ है जिस दिन अभी भगवान डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। तो अच्छा, आप लोग यहाँ पर कितने बजे से आए हैं? हम लोग करीब 3 बजे से आए हुए हैं। 3 बजे से आ रहे हैं। और अभी भगवान सूर्य का जो मतलब सूर्यास्त होने का समय कितने बजे का था? करीब 6 बजे। तो आप लोग इतने उत्साहित थे कि 3 बजे से ही आप लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। अच्छा, कितने बजे से आप लोग इसको लेकर के तैयारी करते हैं, जैसे वहाँ से निकलना है और कितने बजे तक यहाँ पर पहुँचना है? 1:30 बजे से होता है तैयारी। 1:30 बजे से तैयारी में थे पूरा कि यहाँ पे आकर के बैठ जाना है? 1:30 बजे से तैयारी, जब वहाँ पे रेडी किया जाता है और निकलने का टाइमिंग होता है 2 से 3 के बीच में निकला जाता है। हमेशा फिक्स रहता है? हाँ, फिक्स रहता है 3 बजे के आसपास। तो यहाँ घाट पे आई एक जो है यहाँ पर किस तरह से डूबते हुए सूर्य को दीप जला रहे हैं। अच्छा मैम, आप लोग मतलब कहाँ से? यहीं पटना के ही? पटना के ही है। यहाँ हर साल आते, बहुत अच्छा लगता है छठी मैया का पूजा देख करके। मतलब हम लोग का बिहार का ये फेमस है। अब तो बिहार का नहीं कह सकते, अब तो हर जगह पूरे भारत में फैल चुका है। हाँ, पूरे भारत में है, क्योंकि सूर्य से महान कुछ है ही नहीं, जीवन देते हैं, ज्ञान देते हैं। आप लोग मतलब कब से यहाँ पर आए हुए हैं? हम लोग यहीं के ही हैं। यहीं के मतलब इस घाट पर कितने बजे आए? मतलब जिस तरह से भी एक भाई से बात हुई थी जो बोले थे हम लोग 3 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ, तो आप लोग कितने बजे से आए? हम लोग तो अभी आए हैं, अभी यहाँ। तो मतलब अभी अपनी अपनी जगह छत पे, आजकल तो कोरोना के कारण लोग छत पे कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग छत पे भी करते हैं। घाट का एक अलग है। अच्छा, आप घाट के बारे में बताएंगे, जिस तरह से अभी इस घाट पे किस तरह से तैयारी की गई है, मतलब पहले के मुकाबले यहाँ पर व्यवस्था? अच्छा, अभी पहले से बहुत अच्छा है। पहले थोड़ा सा दिक्कत था, अभी है व्यवस्था अच्छा है। अच्छा, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अच्छा, देख सकते हैं यहाँ पर कितने उत्साहित लोग दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे घाट को लेकर के भी बहुत तारीफ सुनने को मिल रही है कि यहाँ पर व्यवस्था भी बहुत अच्छा किया गया है। देख सकते हैं कहाँ यहाँ पर जिस तरह से काफ़ी लोग उत्साह, और पानी में सेल्फी भी चल रही है। अच्छा, आप लोग मतलब यहाँ कितने बजे से आए हुए हैं? आधा घंटा हो गया। तभी यह फोन में सेल्फी वगैरह चल रहा है। पूजा वगैरह हो गया क्या? हो रहा है अभी। तो साथ में साथ साथ आपका ये सेल्फी का भी टाइम चल रहा है। अच्छा, मतलब कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा। अभी तो फिलहाल जिस तरह से जानते हैं ये पहले सिर्फ बिहार का पर्व बोला जाता था, अब तो पूरा भारत इसको सेलिब्रेट कर रहा है। नेक्स्ट ईयर तो कुछ हुआ नहीं था, इस बार एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर से पिछले इस बार एकदम पूरा चल रहा है। चलिए, और मतलब यहाँ पर जो घाट का जो है, मतलब इस तरह से पानी का स्तर भी बहुत ऊंचा है, उस तरह से लेकर के आपको क्या यहाँ पे इसका जो घाट का व्यवस्था किया गया उस पर क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा है। बहुत सही लग रहा है। अच्छा, तो लास्ट में भी क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आज छठ का दिन है, इस पे मतलब कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? क्या यही बोलना चाहेंगे कि छठ सबका फेवरेट त्यौहार होता है। बहुत अच्छा है। हर साल धूमधाम से मनाना चाहिए। तो सबको बस इतना ही कह दीजिए कि हैप्पी छठ सबको। पूजा किया जा रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लोग पानी के अंदर खड़े भी हैं। और इसी तरह से हमारे छठ पर्व में डूबते हुए सूर्य को इसी तरह दीप जला करके पूजा किया जाता है। आइए और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, अभी आप लोग यहाँ कितने बजे से आए हैं? 3 बजे से। मतलब आप लोग का ये टाइम होता है 3 बजे आने का, या 3 बजे से आकर के बैठे हुए हैं? नहीं, 3 बजे हम लोग टाइम तो होता है, अभी हो रहा है ना, अर्घ अभी दिया जाता है। जैसे ही सूर्य के अस्त होते हैं ना, उसी दिया जाता है। तो अभी मतलब कैसा उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है? काफ़ी भीड़ भी आई है पिछले साल तो यहाँ पर। दो साल के बाद इस बार लॉकडाउन टूटा है, तो स्वाभाविक है कि भीड़ तो रहेगा ही ना। अच्छा,
क्या कहेंगे इस पर आप, मतलब यहाँ पर जो घाट का जो व्यवस्था किया गया है बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छा चलिए, अभी जिस तरह से यहाँ छठ का पर्व मनाया जा रहा है उसको लेकर के क्या, जिस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोगों में उत्साह है, इस पर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, उत्साह क्यों ना हो, ऑब्वियसली ये बात है कि पटना का छठ और काली घाट का छठ है तो लोग खुश रहेंगे। मैं भी तो झूमने के लिए आई हूँ पटना का छठ देखने के लिए, आई एम फीलिंग ऑसम। और यहाँ पे जो काली घाट का छठ है उसमें देख करके अलग ही वाइब्स आती है। कहाँ से, अब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पटना की ही हूँ बेसिकली। फिर इतना अंग्रेजी कैसे बोल लेते हैं? नहीं, अंग्रेजी एक्चुअली MBA किया है यहाँ से तो उसकी वजह से, और मेरा जो कॉलेज है वो दरभंगा हाउस है तो उसकी वजह से ना दिमाग में आते रहते हैं। अच्छा कोई नहीं, मैं बस ऐसे बोल रहा था, मतलब आज छठ का त्यौहार है, इस पर आप मतलब लोगों को कुछ कहना चाहेंगे, मतलब किस तरह से? बस हिंदी नहीं, अब कोई भी चलेगा। तो लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि आइए पटना का छठ देखिए और घाट का छठ देखिए यहाँ पे का। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं ना कि घर पे मना लेते हैं या घर के पास में जो है ना वो वहाँ पे मना लेते हैं, पर ये घाट का जो नज़ारा है ना देखने के लिए मिलता है। और अभी लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो सुबह में भी ज़रूर आए यहाँ के माध्यम से जो लोग। अच्छा, सुबह कितने बजे का यहाँ प्लानिंग है? 4:00। 4:00? सुबह सुबह हम लोग को भी जगना पड़ेगा? नो, आप लोग को 2:30 बजे जगना पड़ेगा, यहाँ पे लोग 2:30 बजे आ जाते हैं, उसके बाद में यू कैन मतलब कि आप कवर अप कर लेंगे और 5 बजे तक ये ख़त्म हो जाता है सब कुछ। अभी देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोगों में किस तरह से उत्साह, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और गर्मी का भी बहुत मौसम है और गर्मी भी झेल रहे हैं और ऊपर से पानी में खड़े होने का मौका भी मिल रहा है। और पावन अवसर है और मतलब वो ना वर्शिप वाली वाइब्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा आती है, एकदम अच्छा लगता है यहाँ पे आकर के। और घाट तो मेरा मतलब हम लोग का फेवरेट है, और घाट में जब पूजा हो रही हो तो और ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि पटना आओ और घाट पे रहो तो वो सबसे अच्छा सुकून देता है, नईटी घाट या कहीं पर भी घाट पर तो वो वाला सुकून नहीं नहीं मिल सकता। और जिस तरह से हमने देखा यहाँ पर काफ़ी लोगों से बातचीत हुई और लोगों ने इस छठ के बारे में बताया भी, और कल फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।